आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डील विद एग्जाम रिलेटेड एंग्जायटी। अब सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसके कॉजेस क्या है। कॉजेस में सबसे पहला आता है कि बैड रूटीन हम लोग बहुत बार फॉलो करते हैं, उसके कारण होता है। दूसरा आता है एमलेस प्रिपरेशन रहता है, हमको पता नहीं रहता कि हमको क्या चाहिए। तीसरा रहता है डिस्ट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन में भी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम में अगर कोई है तो आपका मोबाइल फोन है। चौथा है लैक ऑफ क्लियरिटी अबाउट द एग्जाम एंड स्टडी मटेरियल। तो इसके सोल्यूशन है कि पहले आप एग्जाम पैटर्न को अंडरस्टैंड करो और उसके बाद अपना जो रिसोर्स लिस्ट है उसको अकॉर्डिंगली बनाओ। सेकंड है कि आपने एक प्रॉपर रूटीन सेट करना चाहिए और रूटीन में भी स्पेसिफिकली स्लीप वेक साइकिल को प्रॉपर एक आपने फॉलो करना चाहिए, जिसको ही हम लोग सर्कैडियन रिदम कहते हैं। तीसरा, आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना चाहिए और प्लानिंग करते वक्त भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आपके वीकर सेक्शन है वो वीकर सेक्शन को आपने पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने प्रॉपर एक हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। आप अगर हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते हो तो अलग अलग बीमारी जैसे अल्सर एसिडिटी आपको फेस करना पड़ सकता है। थोड़ा काम रहने के लिए आप मेडिटेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपने फैमिली मेंबर के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में या फिर मेंटर के साथ में रेगुलर बेसिस पे आप अगर इंटरेक्शन करते हो तो भी आपको थोड़ा प्रेशर आपका हल्का हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।